नमस्कार दोस्तों, मैं अवगुण चौधरी, आप देख रहे हैं जीएच चौधरी चैनल। और आज किसने वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम यूजली आए अपने खेत पे, जो कि सुबह के तकरीबन 8 बज रहे, आज डेट है 30 मई, जो कि हम आए हुए अपने खेत पे, जो कि यूजली आते रहते। तो आज हम खेत पे स्प्रिंकलर चला रहे थे कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो वाला किस प्रकार से वाला स्प्रिंकलर चल रहा है वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको एक बार स्प्रिंकलर दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे चल रहा है स्प्रिंकलर, जो कि कुछ खर्च यहाँ पे लगाया हुआ है। और हम लोगों ने यहाँ पर जो बड़ी साइज वाला स्प्रिंकलर रहता है वो है, जो कि मिनी स्प्रिंकलर नहीं है। यहाँ पर जो फुल साइज स्प्रिंकलर आता है वो वाला यहाँ पर लगा रखा है, जो कि यहाँ पर तकरीबन 14 स्प्रिंकलर हम लोगों ने लगाए। 2 HP की मोटर यहाँ पर लगा रखी है, जो कि मोनो ब्लॉक मोटर है, तो उससे वाला जो फुहार चल रहा है। और प्रेशर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ कितना प्रेशर वगैरह रहता है, जो कि ये देखिए इस वाला स्प्रिंकलर, ये देखिए यहाँ पर इस वाले स्प्रिंकलर और उस वाले के बीच में दूरी जो आपको 20 फीट रहेगी, ये जो पाइपलाइन डली हुई वाली 20 फीट के अंदर पाइपलाइन डली हुई, और यहाँ पर 20 फीट के दूरी पे यहाँ पे स्प्रिंकलर यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि ये सारे सारों की दूरी जो है समांतर है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है सिंचित हो गया, और यहाँ पे सिंचित हो रहा है, और यहाँ पे जो है जमीन सूखी पड़ी हुई। तो ये वाला खेत है जो कि रंडी का खेत है, मैं आपको एक बार दिखा था, ये देखिए डंठल वगैरह पड़े। तो यहाँ पर पिछली बार इसमें रंडी लगाई हुई थी, नेक्स्ट टाइम जो हम लोग इसमें मूंगफली की फसल लगाने वाले हैं, तो मूंगफली की फसल के अंदर जो अरंडी न उगे उसके लिए हम लोग यहाँ पे पानी से पहले सिंचित करके और अरंडी की फसल में जो गिरा हुआ दाना है वो सारा का सारा अंकुर हो जाए, और उसके बाद में इसको फिर से जो है ज़मीन को पलट देंगे, और उसके बाद में इसमें मूँगफली डालेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मूँगफली की फसल में अरंडी न उगे उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो है सिंचित कर रहे हैं इसको। ऊपर बादल हो रखे हैं, मौसम काफ़ी सुहाना तो सही है। मैं आपको अभी मोटर दिखाता हूँ कितने अच्छे के, और किस प्रकार से चलती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार का। अगर आप लोग और भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी नोट कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको एक बार खेत भी दिखा देता हूँ, जो इसमें गारंटी खर्चा लगी हुई है। यहाँ से पाइपलाइन जा रही है, यहाँ पर ये जा रही पाइपलाइन, मैं आपको दिखाता हूँ। मोटर गाइज आपको मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे तकरीबन हम लोग यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे ऐसी जगह पे चलाने वाले हैं। इसको चलाने का टाइम ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे होता है, यहाँ पे 2 घंटे एक ही जगह पे चलाएंगे, तभी जाके ये वाले सूखी ज़मीन है जिसमें कि नमी होगी, और उसके बाद में रंडी 5 से 7 दिन के अंदर उसका टाइम रहता है, उसके अंदर यहाँ से रंडी निकलाएगी, जिसमें कि यहाँ से लगभग एक ही जगह पर 2 घंटे यहाँ पर चलाना पड़ता है, और उसके बाद में 20 फीट यहाँ से दूर ले लेंगे। यहाँ से अभी जो यहाँ पर चल रही है वाले ने इसको जो यहाँ पर ले लेंगे, जो कि 20 फीट दूर जो यहाँ पर सूखा है उसी के यहाँ पर ले लेंगे, ताकि जो है अगले वाला पोर्शन जो है यहाँ पर गीला हो सके। तो यही प्रोसेस रहता है, और मैं आपको अभी स्प्रिंकलर सारे दिखाता हूँ। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वाला वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी एनेबल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा इंस्टाग्राम का पेज का हैंडल यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग फोटो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, तो जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलता हूँ अगले वीडियो में।